हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हम आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के ऊपर एक क्विज सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम आपसे 20 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए 6 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। आप इस क्विज में डेली रात 9 बजे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह क्विज आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा ऑप्शन गया। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब नेपाल। दूसरा प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का शासक था? पहला ऑप्शन सुंग, दूसरा ऑप्शन हरियक, तीसरा ऑप्शन मौर्य, चौथा ऑप्शन गुप्त। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब हरियक। तीसरा प्रश्न, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? पहला ऑप्शन अफजल खां, दूसरा ऑप्शन जयसिंह, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब, चौथा ऑप्शन शाइस्ता खां। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब औरंगजेब। चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? पहला ऑप्शन 1919 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1916 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1924 ईस्वी, चौथा ऑप्शन 1922 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब 1924 ईस्वी। पांचवा प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? पहला ऑप्शन 1905 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1908 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1911 ईस्वी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब 1905 ईस्वी। छठा प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहां स्थित है? पहला ऑप्शन पटियाला, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद, चौथा ऑप्शन देहरादून। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब पटियाला। सातवां प्रश्न, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन परमार, दूसरा ऑप्शन गुज्जर, तीसरा ऑप्शन उत्पल, चौथा ऑप्शन करकोटा। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब परमार। आठवां प्रश्न, दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन शेर शाह, दूसरा ऑप्शन अकबर, तीसरा ऑप्शन शाहजहां, चौथा ऑप्शन औरंगजेब। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब औरंगजेब। नौवां प्रश्न, वर्ष 1857 में
मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? पहला ऑप्शन 10 मई, दूसरा ऑप्शन 11 मई, तीसरा ऑप्शन 25 अगस्त, चौथा ऑप्शन 8 मई। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब 10 मई। दसवां प्रश्न, सतलज, चिनाव तथा रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा ऑप्शन गंगा, तीसरा ऑप्शन सिंधु, चौथा ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब सिंधु। ग्यारहवां प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पहला नेपच्यून, दूसरा चंद्रमा, तीसरा हेली, चौथा मंगल। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब चंद्रमा। बारहवां प्रश्न, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन केला, दूसरा ऑप्शन गन्ना, तीसरा ऑप्शन कपास, चौथा ऑप्शन पटसन। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब गन्ना। तेरहवां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन राज्यपाल। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब राष्ट्रपति। चौदहवां प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन महान्यायवादी। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब उपराष्ट्रपति। पंद्रहवां प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन विधानसभा और चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब विधानसभा। सोलहवां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन राज्यपाल। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब राष्ट्रपति। सत्रहवां प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? पहला ऑप्शन राज्यसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन प्रधानमंत्री। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब राष्ट्रपति। अठारहवां प्रश्न,
एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 18 वर्ष या इससे ऊपर, दूसरा ऑप्शन 19 वर्ष या इससे ऊपर, तीसरा ऑप्शन 21 वर्ष या इससे ऊपर, चौथा ऑप्शन कम से कम 25 वर्ष। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब 21 वर्ष या इससे ऊपर। 19वां प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है? पहला ऑप्शन 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 40 वर्ष, चौथा ऑप्शन 21 वर्ष। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब 30 वर्ष। 20वां प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन अंडा, दूसरा ऑप्शन मछली, तीसरा ऑप्शन रेशम, चौथा ऑप्शन दूध। आपका समय शुरू होता है। सही जवाब दूध। फ्रेंड्स, ये हमारे बिहार दरोगा सीरीज का पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू।